Hi guys, this is BP Singh. Today our seminar topic is concept and general elements of special purpose machine. This is sir मतलब proper noun होता है कि जिसमें आप खुद को मतलब introduce कर सकते हैं. खुद के लिए क्या जाता है? अगर myself use करें तो यहाँ possessive हो रहा है कि मतलब सामने वाला बारा है, इसलिए आप myself BP Singh बोल रहे हैं. ये grammatical sir ठीक है. लिविंग के लिए यूज होता है, लेकिन दिस और दैट, दिस सर इंट्रोडक्शन किया जाता है. अगर माई सेल्फ करे तो बाबी तो आगे से बढ़े तो नहीं सकते. आज हम इस सेमिनार टॉपिक में जो चीज डिस्कस करेंगे उसमें से इंट्रोडक्शन होगा, प्रिंसिपल होगा, और दूसरा चीज आ जाता है आपको कि एलिमेंट कौन कौन सा होगा. ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे और आज शुरू करते हैं यहाँ से हम इंट्रोडक्शन के बारे में. इंट्रोडक्शन स्पेशल पर्पस मशीन है तो ऐसी बात है कि इसमें जो हमारा सब कुछ जो होगा इंट्रोडक्शन में कि एक स्पेसिफिक काम के लिए हम इसको डिजाइन करते हैं, चाहे वो कोई भी टास्क हो या कोई चीज मशीन बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, इसके लिए हम बहुत सारे मतलब एक पार्टिकुलर मशीन बनाएंगे ताकि ये पार्टिकुलर मशीन कोई एक ही काम करे. ये ना कि बना दिए कि कर रहा सब कुछ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमको टाइम भी ज्यादा लगेगा जो कि हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि जो भी हम प्रोसेस करते हैं कम से कम टाइम लगे और कम से कम मेरा कॉस्ट जो है आए. उसी चीज लिखा हुआ है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल पर्पस मशीन रिवॉल्व्स रिवॉल्व्स अराउंड क्रिएटिंग अ डिवाइस इक्विपमेंट दैट इज पर्पस बिल्ट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और सेट ऑफ टास्क. यही चीज है कि कोई भी एक मतलब स्पेसिफिक टास्क करेगा इसको या सेट ऑफ टास्क करेगा जो हमको परफॉर्म करना चाहिए. और दूसरा पॉइंट है कि स्पेशल पर्पस मशीन इज डिजाइंड विथ अ सिंगुलर फोकस ऑप्टिमाइजिंग पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. मतलब कोई भी चीज होगा उसको मतलब सिंगल चीज पर फोकस करें, मतलब अगर लिखना है तो लिखने पर ही फोकस करना है, समझने पर फोकस ना नहीं करना, वही चीज यहाँ बताया जा रहा है. और दूसरा यहाँ कॉन्सेप्ट में प्रिंसिपल में थोड़ा बहुत आप लोगों को जो होगा कि कॉन्ट्राडिक्ट करते रहता है कि हाँ कि ये कॉन्सेप्ट है या फिर प्रिंसिपल है, उसमें थोड़ा बहुत सिमिलरिटी भी है, थोड़ा इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे. हम कोशिश किए हैं कि मतलब जो है पॉइंट बाय पॉइंट और जो है सो एक क्लियर रहे प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट में. वही चीज है कि कॉन्सेप्ट इसमें है कि कस्टमाइज होना चाहिए, उसके बाद रिलायबल होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, ताकि हम जो भी चीज में इसका यूज करें वह सब कुछ हमें क्लियरली रहे, क्लियरली रहे, ना कि मतलब इतना सब कुछ हो. आइए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, जहां तक जो चीज दिक्कत हो रहा है आपको धीरे धीरे अपने कोशिश करेंगे कि जो चीज है बताए, अगर ना हो तो पूछ सकते हैं. ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल पर्पस मशीन एड्रेस द नीड फॉर कस्टमाइज एफिशिएंट एंड रिलायबल सॉल्यूशन फॉर इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. कस्टमाइज होना चाहिए कि जिस चीज के लिए हम बना रहे हैं वही चीज का होना चाहिए. एफिशिएंट मतलब है जो चीज हम बना रहे हैं मतलब कितना अच्छे तरीके से एफिशिएंट हो, कितना अच्छे तरीके से काम करे, यह ना कि बना दिए बढ़िया के लिए बन रहा है घटिया सामान, ये चीज नहीं होना चाहिए. और रिलायबल मतलब भरोसेमंद होना चाहिए. दूसरा चीज है कि बाय द टेलरिंग आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इस शब्द के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि टेलरिंग का मतलब होता है काट छाट करना. कोई भी चीज है उसको मतलब काट छाट करके एक बढ़िया कस्टम दे, वही चीज है कि इसमें जो हम बनाएंगे कॉन्सेप्ट में वो बहुत ही काट छाट बनाएंगे कि अगर कोई भी अमर नहीं जा रहा है क्या और जोर से बोले. ठीक है, होना चाहिए ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए. ठीक है, इसमें जो हमको मशीन बनाना है वो टेलरिंग करके बनाना है ताकि काट छाट के बनाए. जो चीज हमारे मशीन में काम का है उसको रखना है, जो नहीं है उसको हटा देना है. वही काट करने के लिए मशीन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग टू स्पेसिफिक टास्क होगा, उसके बाद ऑफर सिग्निफिकेंट होगा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी. मतलब प्रोडक्टिविटी में जो है परफॉर्म जो होना चाहिए सिग्निफिकेंट टर्म में होना चाहिए कि जिस चीज के लिए हम बना रहे हैं वही चीज हमारे लिए मतलब वो अच्छे से बन के तैयार हो.
और दूसरा पॉइंट है आपको वो कॉस्ट इफिशियंसी भी होना चाहिए कि ज्यादा कॉस्ट नहीं लगना चाहिए, ज्यादा जितना कॉस्ट कम होगा और जितना मशीन हमारे अच्छे से काम करेगा और अच्छे से डिजाइन रहेगा, इसमें हमको ही फायदा होगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। और तीसरा पॉइंट है कि स्पेशल पर्पस मशीन इज दैट मशीन व्हिच मेड टू डू परफॉर्म स्पेसिफिक डेडिकेटेड ऑपरेशन। मतलब पूरा कॉन्सेप्ट में यह किसी खास चीज के लिए बनाए, उसी के लिए वो मतलब जो है संदर्भ रहे, के अलावा और उतना कुछ नहीं। जिस चीज के लिए हम बना रहे हैं, जिस चीज के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, जो चीज हमको बनाना है, अगर उस चीज के लिए कोई मशीन को बनाए हैं, सिर्फ वही रहना चाहिए, उसके अलावा नहीं होना चाहिए। और इसमें जो है कि इट डिजाइन टू ऑपरेट कंटिन्यूअसली फॉर 24 आवर डे विथ मिनिमम, मतलब इसको हम दिन भर या 24 घंटा जो है हम इसको यूज कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। ये इस तरीके से हमको डिजाइन करना या इस तरीके से हमको बनाना है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसमें के प्रिंसिपल में आ जाते हैं। इसका प्रिंसिपल में बहुत सा कॉमन चीज आपको कॉन्सेप्ट के जैसा ही मिलेगा, उसमें सारी कुछ चीज को हम लोग यहाँ देखते हैं। इसमें है कि द टाइप्स ऑफ ऑपरेशन फॉर व्हिच एसपीएम इज टू डिजाइन लाइक मैन्युफैक्चरिंग असेंबल इन इंस्पेक्शन ईटीसी। मतलब जो भी हम डिजाइन कर रहे हैं स्पेशल पर्पस मशीन, वो होना चाहिए कि हम किस चीज के लिए, जैसे कि शुरू से ही बता रहे हैं कि किस चीज के लिए करना है, क्या करना है, कितने देर में करना है और करना, ये सारे चीजों में स्पेशल पर्पस मशीन में आ जाता है। उसी के लिए पहला प्रिंसिपल है कि किस चीज कौन सा मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर रहे हैं, क्या हम उसको असेंबल के लिए कर रहे हैं या फिर इंस्ट्रक्शन के लिए कर रहे हैं या फिर डिजाइन के लिए कर रहे हैं, वो सारा चीज हमको इसमें ध्यान रखना होगा। इसका एक प्रिंसिपल में से ये आ जाता है। और दूसरा आ जाएगा डिफरेंट स्टेप विच इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म कंप्लीट द ऑपरेशन। मतलब इसका स्टेप में भी होना चाहिए, ये नहीं कि एक ही बार गए मान चला के एक ही बार बिल्डिंग सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद पता चला कि प्रोडक्ट पर ही कोई असर नहीं हो रहा, मतलब खराब हो गया प्रोडक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि स्टेप में होना चाहिए, हाँ इसके बाद ये होना चाहिए या फिर बिल्डिंग के बाद मिलिंग होना चाहिए, इस सब का जो स्टेप बाय स्टेप उसका जो रहेगा कंप्लीट वो ऑपरेशन रिक्वायरमेंट होगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ फोर्स विच विल एक्ट ऑन द मशीन व्हाइल परफॉर्मिंग द ऑपरेशन। मतलब कि फोर्स को भी हमको कैलकुलेट करना है, कौन सा फोर्स एंगुलर फोर्स लगना चाहिए या परपेंडिकुलर होना चाहिए या हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, इस सब फोर्स के आधार इस ऑपरेशन पर्पस स्पेशल पर्पस मशीन को डिजाइन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें द ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ द मशीन इज मिनिमम। यहाँ मतलब जो है सो मिनिमम होना चाहिए स्पेशल कॉस्ट ऑफ मशीन, वो मिनिमम होना चाहिए। और तीसरा है कि द मशीन शुड बी डिजाइन फॉर मिनिमम सुपरविजन। मिनिमम सुपरविजन का मतलब हो गया है ये जो सुपरविजन होना चाहिए कि नहीं कि आप लगा दिए हैं दिन भर सब आदमी लगे हुए हैं कि इसमें कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा, ऐसा मशीन बनाना है कि एक बार लगाए बहुत कम समय के लिए उसको देख रेख करने की जरूरत पड़े, इस टाइप का इसका प्रिंसिपल में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका एलिमेंट्स है, कुछ एलिमेंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरल एलिमेंट्स ऑफ एसपीएम, देखिए एलिमेंट एसपीएम में बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे मतलब उतना डिस्कस हमारे लिए लगभग उतना नहीं था, इसमें हम कुछ पार्ट चार पांच पार्ट लिए हैं जिसको हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे मतलब अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ डिस्कस करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो इसमें पूछिएगा जरूर, अगर मुझसे ना हो पाए तो सर का हेल्प जरूर लेंगे, क्योंकि मैं भी आप ही लोग के बीच में स्टूडेंट आया हूँ, जरूरी नहीं है कि मुझे ही सब कुछ आता होगा। उसमें जो पांच पॉइंट है इसमें से एवरी एसपीएम डिफरेंट एंड डिपेंड्स ऑन द कंपोनेंट नीड टू मैन्युफैक्चर ऑन इट। मतलब कि इसमें जो एलिमेंट जितना भी मैन्युफैक्चर करेंगे उसके आधार पर इन जनरल द कैरी द फॉलोइंग यूनिट्स। मतलब लगभग जो है एसपीएम में ये चार पांच में से लगभग ही लगभग मतलब कोई ना कोई एलिमेंट उसमें रहता ही, उसी आधार पर कुछ एलिमेंट्स है जिसको हम डिस्कस करते हैं। उसमें आ जाता है इंडेक्स रोटरी टेबल। इंडेक्स का मतलब आप लोग समझते ही होंगे कि इंडेक्स बनाएगा उसके आधार पर चलेगा। मल्टी टूल हेड मतलब बहुत सारे टूल होंगे उसके बाद होगा पूरे पेज में, इसमें हो जाएगा कि एक हेड रहेगा उसमें बहुत सारे टूल माउंट रहेगा, उस आधार पर जो है उसका ऑपरेशन होगा। और इस समय जो डिटेल है इसके आगे वाले पॉइंट में देखेंगे। हाइड्रोलिक स्लाइडिंग के आधार पर वो टेबल होगा, जैसे कि आप लोग बहुत से टीआरटीसी में गए थे उसमें एक मतलब घुमाने वाला था कि हैंडल था उसके बाद टेबल आगे पीछे होता था, टूल ऊपर अप या डाउन होता था, उस आधार पर होगा। और बार फिटिंग मतलब ये हो जाएगा छत, मतलब कोई भी बड़ा रड लेके उसमें फिटिंग करके उसके बाद जो हमको मैन्युफैक्चर करना है किस टाइप का होना चाहिए, उस सब वाला चीज है। आइए
एक एक करके इसको डिटेल में डिस्कशन करते हैं। इसमें रहता है इंडेक्सिंग रोटरी टेबल। इंडेक्स का मतलब आप समझते हैं, इंडेक्स का मतलब कोई भी चीज है मतलब सिस्टमाइज होना चाहिए। अगर एक है तो उसके बाद दो होना चाहिए, तीन होना चाहिए। और इसको थोड़ा और मॉडिफाई तरीका में समझाए, जैसे कि हम लोग डिजाइन एलिमेंट्स पढ़े थे, क्लास में चल रहा था कॉलेज में, तो उसमें क्या था कि पहला यूनिट जो थे वो चंदन सर हम लोग को पढ़ाए थे और थर्ड यूनिट इरफान सर आ गए थे पढ़ाने के लिए। तो उसमें पहला यूनिट में था क्या कि फोम का बहुत सारा चीज था उसमें, जैसे स्ट्रेशन था, सीयर स्ट्रेस था, ये सब चीज था। उसके बाद वहां से जो है सर उन्हीं के आधार पर हमारे साफ के डिजाइन में वो सब सारे चीज यूज कर रहे थे। एक मतलब क्या होगा कि उसके बाद जो हमारा एप्लीकेशन है थर्ड यूनिट में या सेकेंड यूनिट में, ये फोम से रिलेटेड है, ये इंडेक्स है। अगर ये हम लोग को अगर पता रहेगा, जानते रहेंगे, तो आगे आने वाले चीज हम बहुत अच्छे तरीके से उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर जो है सो बढ़िया से उसको समझ सकते हैं। वही इंडेक्सिंग है। और इंडेक्सिंग टेबल में हो जाएगा कि एक रोटरी टेबल है, कहीं ना कहीं ये घूमता रहेगा, ये नहीं कि एक जगह खड़ा है आप इसमें काम करिए, नहीं, ये घूमेगा। तो इसमें सवाल है कि कैसे कैसे घूमे, हो सकता है एक बार राउंड सर्कल में घूम जाए, या हो सकता है कि 90 डिग्री पर घूमे, फिर 30 डिग्री पर आए, या फिर 90 पे जाए, ऐसा भी हो सकता है, या फिर डायरेक्ट घूम जाए। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो रोटरी टेबल आपको रहेगा उसके एक स्पेसिफिक लोकेशन रहेगा, एक स्पेसिफिक मतलब प्लेस क्या रहेगा कि नहीं इस पर जाएगा, उसके बाद वहां जो स्पेसिफिक वर्क होगा उस वर्क पीस पर वो होगा, ये नहीं कि आप लगा दिए हो रहा है, नहीं। एक अगर कोई लोकेशन है, मान लीजिए ये लोडिंग और अनलोडिंग स्टेशन है, अगर ये लोडिंग, अरे यार यहाँ से नहीं, दो तीन और है, चार पांच और, हाँ ये इसमें है, यहाँ एक दिन और रखते हैं, एक दिन और रखिएगा क्या, ये सर समझाना, उसके बाद रख देते हैं, दूसरा दिन करेंगे इसको, एक बार बता दीजिए ना ये हो क्या रहा है। हाँ हो गया, इंडेक्स रोटरी। इसमें क्या होगा कि बहुत सारे मतलब स्टॉपेज रहेंगे, लोडिंग स्टेशन रहेगा, वहां से हमको कोई वर्क पीस लगाना है, उसके बाद आगे उसको भेजेंगे, उस स्पेसिफिक वर्क या लोकेशन उसका जो भी होगा उसका फंक्शन वो करेंगे। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए लोडिंग है, यहाँ से हम लोड कर दीजिए, लोड कर दिया, उसके बाद इस अच्छी स्पेस पर भी लोकेशन पर आया, इसमें मान लीजिए हमको ड्रिलिंग करना है, तो वो कोई जो टूर रहेगा यहाँ ड्रिलिंग कर देगा, उसके बाद आगे देखेंगे कि सरफेस फिनिश करना है, या फिर ये दोनों ऑपरेशन पहले या बाद में किसी को भी कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। इसके बाद जैसे जैसे हर एक स्टेशन पर वो एक प्री डिफाइंड पाथ पर रुकेगा, ये नहीं कि गया रुक गया भाग गया, ऐसा नहीं, जहां से फिक्स रहेगा। इंडेक्स का मतलब होता ही है कि आपको एक मतलब प्री प्रोग्राम दिया जाएगा कि हाँ इसमें लगा दीजिए, कुछ समय तक ये एक स्टेशन पर रुकेगा, यहाँ जो इसका वर्क होगा यहाँ होगा, उसके बाद यहाँ से जो वर्क उसका खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद अगले में, और अगले में जो वर्क होगा खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगले में जाएगा। इसी तरह जब वो फिनिश हो जाएगा अनलोडिंग स्टेशन पर आएगा, उसको हम वहां से अपना निकाल सकते हैं, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट जो है वहां रोटरी टेबल के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। यही सब सारा चीज है, अब थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं, देखते हैं अगर कुछ छूट गया तो इसमें से। मैंने रोटरी इंडेक्सिंग टेबल्स आर मशीन टूल पोजिशनिंग डिवाइस यूज टू इंडेक्स पास इन द एंगुलर इंक्रीमेंट सो दैट दे कैन बी मशीन मशीन बाय अ फिक्स मशीनिंग हेड विच आर फिक्स्ड एट इक्वल इंटरवल अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द टेबल। मतलब टेबल के जो पेरिफेरी पर रहेगा उस पर जो है हमारा प्रोडक्ट वर्क पीस रहेगा। अब वर्क पीस है यहाँ पर मतलब घूम रहा है, अब वर्क पीस यहाँ लगा दिए हैं, इसके बाद ये घूम के यहाँ गया, ऊपर जो मशीन टूल रहेगा इस पर जो भी उसका वर्क करना होगा वो यहाँ करेगा, फिर ये वर्क पीस के फिर यहाँ आ जाएगा, दूसरे पोजिशन पर आ जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, इसके बाद हमारा जो भी है वो आगे चल के हम अपना फिनिश प्रोडक्ट निकाल। ड्यूरिंग द ऑपरेशन द टेबल रोटेट अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। मतलब ये जो एक्सिस है इसके अराउंड ये टेबल या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा। स्टॉप्स एट प्री डिटरमाइंड पाथ, जैसे कि बताया था कि इसमें एक मतलब पहले से इंडेक्स दिया रहेगा कि आपको यहाँ रुकना है, यहाँ नहीं रुकना है, या यहाँ आगे बढ़ना है, इतना डिग्री पर बढ़ना है,
वही है कि प्री डिटरमाइंड लोकेशन स्टे इन दैट पोजीशन ड्यूरिंग एन ऑपरेशन, मतलब उस ऑपरेशन के दौरान कितना देर तक वहां उसको रुकना है, कितना देर तक नहीं रुकना है, वो चीज आपको इसमें दिखा रहे हैं। एंड इंडेक्स टू द नेक्स्ट पोजीशन, इस तरह वो आगे वाला पोजीशन पर जाएगा और वर्क जो वर्क पीस पर रहेगा, जो भी कार्य रहेगा वो फिनिश होगा, उसके बाद हम अनलोडिंग स्टेशन से उसको उतार सकते हैं। इतना ही तक रखना है सर की आगे बढ़े। ठीक ठीक है, ठीक, थैंक यू।